क्योंकि अदरक जो है ये एक अद्भुत रसोई का एक द्रव्य है कि शुरू के जैसे भोजन के प्रारंभ में खाने से भूख को बढ़ाता है, मध्य खाने से वो पाचन करता है, लास्ट में खाने से खाया हुआ पचाता है। ये लाभकारी है। और अदरक का रस को यदि शहद में मिला करके ले लेते हैं तो सबको पता है सर्दी जुकाम कफ खांसी वो सब ठीक हो जाता है। और तो और हम सबको पता है कि यदि अदरक डाल करके सर्दी में काढ़ा बना कर पिया जाए तो ठंड भी दूर हो जाती है। दांत के दर्द में जैसे मैंने बताया लौंग को दबाने से लाभ होता है, ऐसे ही अदरक को दबाने से भी लाभ होता है। और खांसी में भी हमने देखा है कि अदरक को भून करके छोटे छोटे टुकड़े करके भून लीजिए, उसको चूसते रहेंगे या थोड़ा नमक डाल के चूस लीजिए तो खांसी में तुरंत लाभ हो जाता है। सौंठ का पाउडर बना करके थोड़ा सा दालचीनी मिला करके आप ले लेते हैं तो हृदय शूल या घबराहट गड़बड़ हो जाता है, इससे एंजाइना में लाभ हो जाता है, हृदय को ताकत मिलती है, इससे डाइजेशन सिस्टम में ठीक रहता है। और अदरक के रस में थोड़ा नींबू का रस मिला करके आप पी लेते हैं, थोड़ा सा उसको शरबत की तरह भी पी सकते हैं और आप उसको गर्म करके भी पी सकते हैं। खासियत यह है कि अदरक के रस में थोड़ा नींबू मिला लीजिए, थोड़ा नमक मिला लीजिए, ठंडे की तरह से भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही लाभकारी होता है। और नींबू शहद मिला करके यदि खाली पेट गर्म गर्म पीने से मोटापा भी कम हो जाता है। अदरक जिसमें शहद नींबू की हम बात करते हैं, शहद नींबू के रस में थोड़ा आप अदरक भी मिला दीजिए तो इससे मोटापा भी कम होता है। अब रसोई में बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारी हमने चर्चाएं की हैं, फिर अगले प्रकरण में अगले बातों में बहुत सारी हम बात करेंगे। तो अभी मैं एक रसोई की बात हो रही थी, एक और अद्भुत जो द्रव्य है वो नींबू। नींबू की बात हम जरूर कर लेते हैं कि नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से और ब्लीचिंग करने से जो है ना चेहरे की किल मुहां से भाग जाते हैं और बहुत ही अच्छा है। आप उसको कहीं पर भी शरीर पर लगा सकते हैं, चमक के लिए, चेहरे के लिए आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। और नींबू का प्रयोग तो हम जानते हैं भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। अब हम कुछ रसोई की बात है तो हींग की बात कर सकते हैं। छोटा से छोटा बच्चा हो तो हींग को पीस करके नाभि में लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अफरा है, दर्द है, उसमें तुरंत लाभ हो जाता है। और यदि सर्दी जुकाम है तो उसको थोड़ा सा छाती में लेप कर देते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। और भोजन के प्रारंभ में थोड़ा सा अब बात करते हैं हींग की, थोड़ी सी बात मैंने बता दी।